Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 2 by Brain Root series. And here's a book. The name is Literary Journeys. Today we are going to start with chapter number 13 and the name is The Ungrateful Wolf. So here we are going to learn a story of a wolf. What is it? Let's see in warming up. So you might have heard about the community helpers like doctors, policeman, guard. आपने जो है community helpers के बारे में तो पढ़ा ही होगा. कौन होते हैं ये? So जो doctor है, policeman है, guard है, इन्हें हम community helpers कहते हैं. Everyone who lives in a community can be a community helper. हर एक इंसान जो एक ग्रुप एक कम्युनिटी में रहता है उसे हम कम्युनिटी हेल्पर कह सकते हैं. दे आर टर्म्ड एज ग्रेटफुल. उन्हें ग्रेटफुल कहा जाता है. पीपल हु केयर ओनली अबाउट देमसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड ओनली देयर ओन प्रॉब्लम्स. ऐसे लोग जो खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, इन्हें हम अनग्रेटफुल कहते हैं. मीन्स जो खुद के बारे में सोचते हैं ऐसे लोग अनग्रेटफुल कहलाते हैं. सो लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट अ वुल्फ. ये एक वुल्फ की कहानी है. हु इज टर्म्ड एज अनग्रेटफुल, जिसे अनग्रेटफुल कहा जाता है. सो वंस देयर लिव्ड अ लेजी वुल्फ इन द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में एक बहुत ही ज्यादा लेजी वोल्फ था. लेजी मीन्स बहुत ही, मीन्स जिसे कुछ भी काम करने का मन नहीं होता था, हमेशा कहीं ना कहीं सोया रहता था, पड़ा रहता था. सो द वुल्फ वॉज क्वाइट लेजी. अ स्ट्रीम वॉज फ्लोइंग नियर द वुल्फ्स हाउस. अ वुल्फ के घर के पास एक स्ट्रीम थी, नदी बह रही थी. मैनी एनिमल्स यूज टू कम टू द पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर. और बहुत सारे एनिमल्स आते थे पानी पीने के लिए इस स्ट्रीम में. द वुल्फ वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड. अ वुल्फ जो था हमेशा खाने की तलाश में रहता था. वन डे इट वॉज सिटिंग नियर द स्ट्रीम होपिंग टू गेट समथिंग टू इट. तो एक दिन क्या हुआ, उस स्ट्रीम के पास वो बैठा हुआ था ये आशा करके कि कहीं उसे कुछ खाने को मिल जाए. सडनली इट्स आईज फेल ऑन अ डेड बुल. अचानक से उसकी नजर पड़ी एक डेड बुल के ऊपर जो पहले से मरा हुआ था. इट वॉज वेरी डिलाइटेड. वो बहुत खुश हो जाता है. आह व्हाट अ लक, नाउ आई कैन ईट ऑल आई वांट. अब जो है मेरा लक कितना अच्छा है, मैं जो भी चाहूँ वो खा सकता हूँ, जितना चाहूँ वो खा सकता हूँ. थॉट द वुल्फ एंड इट्स माउथ बिगेन वाटरिंग. सो ये सोच के उस वुल्फ के मुंह में पानी आ गया. He started eating the dead bull. अब उसने उस बुल को खाना शुरू कर दिया. Suddenly a thought came into its mind. अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया. If another beast comes here, it will ask for a share. अगर कोई और beast आ गया, कोई बड़ा जानवर आ गया, तो वो मुझसे share मांगेगा इस बुल में. So I should eat very fast. तो एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी इस पूरे बुल को खा लेता हूँ. इट च्यूड फास्टर एंड फास्टर. और जल्दी जल्दी उसने क्या किया, उस पूरे बुल को खा लिया. इन इट्स एक्सेसिव स्पीड ऑफ ईटिंग अ पीस ऑफ बोन गॉट स्ट्रक इन इट्स थ्रोट. और अचानक से इतनी तेजी से खाते हुए क्या हुआ, अचानक से एक हड्डी उस फॉक्स के गले में फंस गई. Oh, cried the wolf. It tried many times to bring the bone out of his mouth. अब जो है वो फॉक्स बार बार कोशिश कर रहा था कि ताकि वो हड्डी उसके मुंह से बाहर आ जाए, उसके गले से बाहर निकल जाए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. But it could not succeed. वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाया. द बोन इज हर्टिंग मी वेरी बैडली. और अब वो जो हड्डी उसके गले में फंस गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना खा पा रहा था, ना बोल पा रहा था. उसे बहुत दर्द हो रहा था उसके गले में. वॉट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ, थॉट द वुल्फ. सडनली इट रिमेंबर्ड
दैट अ क्रेन लिव्ड नियर बाय। अचानक से उसे एक आइडिया आया, उसे कुछ याद आया कि मेरे घर के पास कौन रहता है, एक क्रेन। आपको पता है क्रेन क्या है, क्रेन एक बर्ड है, वो उसकी जो चोंच होती है बहुत लंबी होती है। सो उसने सोचा कि चलो उस क्रेन के पास जाता हूँ। द वुल्फ रैन टू द क्रेन एंड बेग्ड। अब उसने जाके वहाँ पे भीख मांगी कि प्लीज डियर क्रेन, अ बोन गॉट स्टक इन माई थ्रोट, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। इफ यू पुल इट आउट ऑफ माई थ्रोट विथ योर लॉन्ग बीक आई विल गिव यू अ प्रेजेंट। तो अगर तुम प्लीज इस हड्डी को मेरे गर्दन में से बाहर निकाल दोगे अपनी लंबी सी चोंच से, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। द क्रेन took pity on the wolf। अब क्रेन को दया आ गई इस वुल्फ पे। इट asked the wolf to look up with its mouth open। तो अब क्रेन ने बोला ऊपर देखो और अपना मुंह खोलो। द क्रेन then put its beak into the wolf's mouth। अब उसने क्रेन ने क्या किया, अपनी जो चोंच थी वो बीक के माउथ के अंदर डाल दी। एंड पुल्ड आउट द बोन, और उस बोन को बाहर निकाल दिया, खींच लिया। ओह व्हाट अ रिलीफ द वुल्फ साइड। अब वुल्फ ने कहा वो कितना अच्छा लग रहा है, वो बोन मेरे गर्दन से बाहर निकल गई है। नाउ वेयर इज माई प्रेजेंट आज द क्रेन। क्रेन ने कहा चलो लाओ, अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मुझे मेरा प्रेजेंट दो, गिफ्ट दो। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा काम करूंगी, तो तुम मुझे गिफ्ट दोगे, लाओ मेरा प्रेजेंट दो। तो अब उस वुल्फ ने क्या कहा, व्हाट प्रेजेंट, किस प्रेजेंट की बात कर रही हो। रिप्लाइड द वुल्फ प्रिटेंडिंग नॉट अवेयर ऑफ इट्स प्रॉमिस। अब जो है वुल्फ ने क्या किया, वुल्फ ने कहा मुझे नहीं पता किस प्रेजेंट की बात कर रही, मैं तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। डिड यू नॉट मेक अ प्रॉमिस टू गिव मी अ प्रेजेंट इफ आई रिमूव द बोन फ्रॉम योर थ्रोट। तो अब क्रेन ने कहा तुमने मुझसे प्रॉमिस तो किया था कि अगर तुम्हारे गर्दन में से मैं वो बोन निकाल दूंगी तो तुम मुझे गिफ्ट दोगे। रिमाइंडेड द क्रेन हम्बली, हम्बली मीन्स प्यार से, धैर्य से उस क्रेन ने उस वुल्फ को कहा, इट इज नॉट अ प्रेजेंट दैट यू पुट योर हेड इन टू माई माउथ एंड गॉट आउट अ लाइफ। तो वुल्फ ने कहा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए ये प्रेजेंट से कम है क्या कि तुमने अपना सिर डाला मेरे मुंह के अंदर और तुम जिंदा बाहर वापस आ गई, ये प्रेजेंट से कम है क्या। I could easily crush your head। मैं तो आराम से तुम्हारे मुंह बंद करके और तुम्हारे मुंह को क्या कर सकता था, क्रश कर सकता था। When your beak was inside my mouth, जब तुम्हारा बीक मेरे मुंह के अंदर था, said the ungrateful wolf and went away। तो means उसे जो है, उसने जो है ना तो क्रेन को थैंक यू बोला ना कुछ बोला, बस वहां से चुपचाप चला गया। ये बहुत ही अनग्रेटफुल बिहेवियर था। The crane felt helpless। अब जो क्रेन थी उसे कैसा लग रहा था, हेल्पलेस लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मीन्स अब उसने कुछ किया ही ना हो। एंड डिसाइडेड नॉट टू हेल्प एनी अनग्रेटफुल क्रिएचर इन फ्यूचर। उसने सोच लिया क्रेन ने कि अब ऐसे किसी क्रिएचर का मैं आगे कभी भी हेल्प नहीं करूँगी, जो जिसने मदद तो ले ली पर उसने थैंक यू तक नहीं बोला, उसने अपनी बात को नहीं रखा, तो ऐसे इंसान की या ऐसे एनिमल की मैं कभी भी हेल्प नहीं करूंगी। नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी। सो हियर द वर्ड्स आर, फर्स्ट इज अ स्ट्रीम, अ स्मॉल रिवर, डिलाइटेड मींस हैप्पी, एक्सेसिव मींस बहुत ज्यादा, मोर देन नॉर्मल, पिटी मींस समथिंग दैट मेक्स यू फील अ लिटिल सैड, कोई चीज जो आपको थोड़ा क्या कर दे, सैड कर दे, दया आना किसी के ऊपर। Reminded means to make someone remember something, किसी को कोई बात याद दिलाना। Crush to press something, किसी चीज को press करना। Pretending का मतलब होता है to behave in a particular way in order to make other people believe something is not true, ऐसे behave करना कि दूसरे को लगे कि कोई चीज सही नहीं है। Decide का मतलब होता है determine।
Now let's move on to book exercise, children. Comprehension is the first exercise here, and in this comes a exercise which is multiple choice question. So the first one is, the wolf was lazy, active, happy, sad. So the wolf was lazy. The wolf was in search of food, water, friends, or prey. So the wolf was in search of food. The wolf started to eat a dead cat, rabbit, bull, or deer. So it started to eat a dead bull. Similarly, children, you have to do the rest two questions yourself. Now let's move on to fill in the blanks using help box. So a lazy wolf lived in a dash. जो लेजी वुल्फ था वो कहां रहता था? इन अ फॉरेस्ट. नेक्स्ट सेकेंड वन, अ डैश वॉज फ्लोइंग नियर द वुल्फ हाउस. क्या बह रहा था घर के पास से वुल्फ के? स्ट्रीम. सिमिलरली चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द रेस्ट सी क्वेश्चंस योरसेल्फ. Now let's move on to the next exercise, which is write true or false for the following sentences. The wolf was in search of water. Kya wolf jo hai pani dhoond raha tha? No, this is false. Now the second one is, a piece of paper was stuck in the throat of wolf. Kya ek piece of paper chipak gaya tha uske muh ke andar, throat ke andar? No, this is again false here. The crane took pity on the wolf. Crane ko daya aa gayi thi wolf pe. Yes, true. Like this, you have to do the rest two questions, children. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. What did the wolf get to eat? So he got a dead bull. Now, what thought came in wolf's mind? So in his mind, the thought came that if any beast comes, he would have to share his food. So this was a thought that came into his mind. What happened with its excessive speed? तो बहुत तेजी से खाने से क्या हुआ? A bone got struck. A bone got struck in its throat. Clear, children? Like this, you have to do the rest of questions that are given here. So read them and complete them. And with this, children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.